साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। भूपेंद्र पटेल ने ली सीएम पद की शपथ, दूसरी बार गुजरात के सीएम बने भूपेंद्र पटेल। यात्रियों की शिकायत पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का किया औचक दौरा। मोहन भागवत का बड़ा बयान, भारत में हर एक गांव में संघ की शाखा होनी चाहिए। पीएम ने किया गोवा के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, 35 डोमेस्टिक और 18 इंटरनेशनल लोकेशंस की होगी कनेक्टिविटी। कश्मीरी हस्तशिल्प कारीगरों को 2 शिल्प गुरु, 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। टीएमसी ने अपने प्रवक्ता गोखले की गिरफ्तारी को बताया कानून का उल्लंघन, चुनाव आयोग से की मुलाकात। पूर्वी लद्दाख और चिकन नेक में नए ड्रोन में 2 होंगे बड़ी तैनात, एलएसी पर लद्दाख से सिक्किम तक करेगी निगरानी। सुशील मोदी का दावा, देश बीजेपी मुक्त नहीं, बिहार 2025 में जेडीयू मुक्त होगा, दिल्ली के बिहारी वोटरों ने इन्हें नकारा। जम्मू कश्मीर में 8 दिन तक रहेगी भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से शुरू होकर श्रीनगर में होगी संपन्न। रेवड़ी कल्चर पर बरसे पीएम मोदी, बोले शॉर्टकट की राजनीति करने वाले देश के बड़े दुश्मन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को मिली जमानत, 13 महीने से जेल में बंद थे। नेवी का ऐतिहासिक फैसला, महिलाएं भी अब बन सकेंगी एमआरसीओस कमांडो, इस स्पेशल फोर्स से थर्राते हैं दुश्मन। पदभार संभालते ही सीएम सुक्खू का ऐलान, हिमाचल में ट्रांसपेरेंसी एक्ट लगाएंगे, प्रतिभा सिंह मिलने आई तो बोली मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। कक्ष में बीएसएफ की कार्रवाई, हरामी नाला क्रीक से 3 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, राजस्थान के बूंदी से शुरू, प्रियंका गांधी से लोक नृत्य का लिया आनंद। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले वैश्विक उद्योग जगत के लिए शानदार मंच होगा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले अपना पराया न देखे जिताऊ प्रत्याशियों के नाम, सुझाए स्क्रीनिंग कमेटियां। मायावती बोली आजम खान की सीट पर जानबूझकर कम करवाई गई वोटिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय बोले 2023 में 1,00,000 होगी एमबीबीएस की सीटें।
यूपी में दो दिन बाद और बढ़ेगी सर्दी, 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान, सड़कों पर छाने लगेगा कोहरा। अलीगढ़ में नगर निगम के खिलाफ खोला मोर्चा, वार्ड नंबर 69 के लोगों में आक्रोश। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में इनामी बदमाश छुड़ा पुलिस के हत्थे। फरुखाबाद में एसपी के कुशल निर्देशन में जिले का नाम हुआ रोशन, आईजीआरएस मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट में अव्वल रहे 7 थाने। गाजीपुर में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान, बसपा प्रमुख पर कसा तंज, विकास कार्यों का लोकार्पण करने पहुंचे थे राजभर। कोरोना में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक हुआ लापता, ग्राम खोदाहारी पूर्वा का है मामला। कानपुर में शराब ठेके में बेची जा रही थी नकली शराब, मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने की छापेमारी। लखनऊ में पुलिस ने भारी वाहनों पर लगाई लगाम, राजधानी में नई भारी वाहनों की एंट्री। मथुरा में वृंदावन पहुंचे अखिलेश यादव, बांके बिहारी का लिया आशीर्वाद। प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की 6 जनवरी से होगी शुरुआत, जिला व मेला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा। गोंडा में यात्रियों से भरी बस पलटी, हादसे में कई यात्री हुए घायल। गोंडा में कागजों पर बनी सरयू नहर पर योजना अफसरों की लापरवाही आई सामने। कानपुर में बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 14 लाख रुपए से अधिक नकद भी बरामद की गई। कानपुर में गांधी भवनों को लाइट से सजाया गया, इतिहास को लेजर शो के जरिए किया गया प्रदर्शित। अमेठी में अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर ट्राली को मारी टक्कर, ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, चालक की मौके पर दर्दनाक मौत। औरैया में तहसील परिसर बना जुआरियों का अड्डा, जुआ खेलते वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। चंदौली में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल हुए। कानपुर में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता, अवैध शराब के साथ 3 को किया गिरफ्तार, पान की दुकान में तैयार हो रही थी अवैध शराब। देवरिया में कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, हादसे में 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। हमीरपुर में चोरों के हौसले बुलंद, 2 युवक सड़क किनारे खड़ी बाइक लेकर हुए फरार। हरदोई में ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में मां बेटे समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल, शादी से लौट रहे थे बाइक सवार।
कानपुर में पशु चिकित्सा विभाग की लापरवाही आई सामने, कैटल कैचिंग ट्रक में गर्भवती गाय को किया बंद। महाराष्ट्र में छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र सरकार से लगाई न्याय की गुहार। कानपुर में स्टंटबाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हवाई पट्टी पर हुड़दंग और स्टंट करते दिखे बाइकर्स। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने कई थानों के प्रभारी निरीक्षकों के स्थानांतरण, बाजार खाला महितगंज सैरपुर समेत कई थानों के प्रभारियों का हुआ फेरबदल। लखनऊ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रविंद्रालय से शुरू हुई, कांग्रेस की प्रादेशिक यात्रा में भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद। व्यापारी जीएसटी अधिकारियों के छापेमारी का करेंगे विरोध, जीएसटी अधिकारियों का घेराव करेंगे, व्यापारी टिम्बर एसोसिएशन ने जताया विरोध। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, किसानों के राकेश टिकैत का ने किया स्वागत, एयरपोर्ट पीड़ित किसानों ने राकेश टिकैत से बयां किया अपना दर्द। रामपुर में भड़काऊ भाषण मामले में सुनवाई, 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खां पर दर्ज हुआ था केस, एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। श्रावस्ती में गायब शिक्षक अनिल कुमार यादव का शव बरामद, भभखला पुल के पास राप्ती नदी में मिला शिक्षक का शव। मेरठ में कार व कुंडल की मांग पूरी न होने पर तीन दिया तलाक, बुलंदशहर की विवाहिता को घर से निकाला। देहरादून जिले में के क्षेत्र में पागल कुत्ते ने छह बच्चों को काटा, दहशत में आए लोग। लंबगांव केदारनाथ मोटर मार्ग पर ट्रक गहरी खाई में गिरा, एक व्यक्ति की मौत। हरीश रावत ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी संबंधी बयान को बताया झूठा, कहा मेरा प्रकाशित बयान दिखाएं 5 लाख दूंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया बाल गुरुकुलम का उद्घाटन, कहा देश को विश्व गुरु बनाने का होंगे प्रयास। वन्य जीवों के हमले से बचाव का नया प्लान, अब एनसीसी कैडेट के मदद लेगा विभाग। बच्चों के सौदागरों के निशाने पर हरिद्वार, 5 साल के एक और मासूम का अपहरण। चढ़ने लगा क्रिसमस और नए साल का रंग, नैनीताल के होटलों में 50% तक एडवांस बुकिंग। हरिद्वार में चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच संघर्ष, ताबड़तोड़ फायरिंग व पथराव में कई घायल। रानीखेत बकरी की जान बचाने को गुलदार से भिड़ा चरवाहा, कुत्तों ने निभाई वफादारी। सरकार ने एनएचएम के तहत जारी किया बजट, 136 करोड़ से होगा स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार। भारत को फिर मिला रूस का साथ, यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का किया समर्थन।
इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में फलस्तीन के एक किशोर की मौत, जांच में जुटे अधिकारी। मस्क नीलाम करेंगे ट्विटर हेडक्वार्टर की 265 एसेट्स, 17 जनवरी को ऑनलाइन होगी शुरू नीलामी, ज्यादातर के दाम 25 या 50 डॉलर। नासा का मून मिशन हुआ पूरा, 14 लाख मील की यात्रा कर लौटा स्पेसक्राफ्ट, पैराशूट के सारे प्रशांत महासागर में गिरा। पाक फौज अफगान तालिबान में झड़प, 6 लोगों की मौत और 17 लोग घायल, दोनों देशों की सीमा पर भारी तनाव। दक्षिण मेक्सिको में 6.0 की तीव्रता से डोली धरती, सितंबर को यादगार सहमे लोग। इमरान खान की पार्टी ने दी पाकिस्तान सरकार को धमकी, कहा 20 दिसंबर तक चुनाव की तारीखों का नहीं हुआ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की विधानसभाओं को कर देंगे भंग। जाम्बिया में मिले 27 संदिग्ध इथियोपियाई प्रवासियों के शव, बंद ट्रक में दम घुटने की आशंका। फीफा वर्ल्ड कप कवर करने गए कतर के अमेरिकी पत्रकार की मौत, रेनबो शर्ट पहने हुए थे, डिटेन भाई ने बताया हत्या। झूठा हलफनामा देने के केस में फंसे इमरान, इलेक्शन कमीशन को बेटी के बारे में जानकारी नहीं दी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। आईआईटी बॉम्बे 1 करोड़ सालाना सैलरी के साथ 25 स्टूडेंट्स को मिलेगा ड्रीम जॉब, प्लेसमेंट में दिग्गज कंपनियों ने दिए बड़े ऑफर। सरकार ने कहा अधिक देशों के साथ रुपए में व्यापार बढ़ाए बैंक, विदेशों में भारतीय बैंकों ने खोले विस्तरा खाते। यूनिपार्ट्स इंडिया आईपीओ से निवेशक निराश, लिस्टिंग के दिन ही औंधे मुंह गिरा स्टॉक, हर शेयर पर 38 रुपए का नुकसान। रॉयल एनफील्ड 650 सीसी इंजन के साथ लाएगी हिमालयन और स्क्रैम बाइक, देगी पावरफुल परफॉर्मेंस। टाटा ग्रुप भारत में जल्द खोल सकता है एप्पल के एक्सक्लूसिव स्टोर। बदल गया ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग का सिस्टम, आईआरसीटीसी ने जारी किया नया आदेश। ऑटो एक्सपो 2023 की तैयारियों में मारुति ला रही 3 नई कारें, जनवरी में उठेगा पर्दा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपए को बढ़ावा देने की कवायद, सरकार ने ट्रेड बॉडी बैंकों से ज्यादा देशों से रुपए में व्यापार बढ़ाने को कहा। नए एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी में एयर इंडिया, 400 छोटे और 100 बड़े विमानों का ऑर्डर देगी, कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी डील होगी। फ्री राशन लेने वालों की बल्ले बल्ले, 80 करोड़ लोगों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। इंडियन विमेंस टीम की रोमांचक जीत, सुपर ओवर में ऑस्ट्रेलिया को हराए, सीरीज 1-1 से हुई बराबर। स्टोक्स बने टेस्ट क्रिकेट के सिक्सर किंग, ब्रैंडन मैकुलम की बराबरी की।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेकर विराट कोहली ने किया भावुक पोस्ट, बताया ऑल टाइम ग्रेट। संजू सैमसन को मिला दूसरे देश से खेलने का ऑफर, भारतीय खिलाड़ी ने बताया अपना प्लान। स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, कैप्टन कौर के बाद यह कारनामा करने वाली बनी दूसरी भारतीय खिलाड़ी। बीसीसीआई ने दिया बड़ा अपडेट, केएल राहुल होंगे बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट टीम के कप्तान, रोहित शर्मा बाहर। ईशान किशन की डबल सेंचुरी से खतरे में पड़ा शिखर धवन का करियर, बीसीसीआई ले सकती है बड़ा फैसला। पहले टेस्ट में कप्तानी करेंगे राहुल, चोट के चलते बाहर हुए रोहित की जगह ईश्वरन टीम में शामिल। भारत के रोमांचक जीत के बाद गूंजा डीवाई पाटियाल स्टेडियम, 47,000 लोग थे मौजूद। स्टीव स्मिथ में अपने ही क्रिकेट बोर्ड पर उठाए सवाल, वॉर्नर की कप्तानी बैन होने पर थोड़ी चुप्पी। सिद्धार्थ शुक्ला के बर्थडे पर इमोशनल हुई शहनाज गिल, अनसीन फोटो शेयर कर लिखा मैं तुमसे फिर मिलूंगी। बालवीर एक्टर देव जोशी करेंगे चांद की सैर, 3 लाख लोगों में चुना गया नाम, क्रू मेंबर के तौर पर करेंगे यात्रा। टीवी एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया ने बॉयफ्रेंड विकास संघ की सगाई शेयर की सेरेमनी की तस्वीरें, 7 साल से कर रहे थे डेट। सलाह की खबरों के बीच साथ आए सानिया और मिर्जा, शोएब मलिक अलग अंदाज में नजर आए कपल। जारी हुआ पठान बेशरम रंग सॉन्ग, छाया दीपिका पादुकोण का मोनो कीरी अवतार। इवेंट में फ्रंट ओपन और ब्लैक बैकलेस पहनकर पहुंची निया शर्मा, बोल्ड लुक देखते ही रह गए लोग। फिल्म पठान के रिलीज के पहले शाहरुख, वैष्णो देवी पहुंचे ब्लैक जैकेट में नजर आए शाहरुख खान। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगी जैकलिन फर्नांडिस, जज ने लगाई ईडी के वकील को फटकार। बिग बॉस 16 के अब्दिक रोजिक समेत घरवालों ने मनाया निमृत कौर अहलूवालिया का बर्थडे, टीना शालिन के बीच हुई लड़ाई। मीरा राजपूत ने गुजराती डिश के साथ सर्व की चाय, आलिया भट्ट बोली मुझे भी चाहिए। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।